ड्रेस अप करेक्ट प्रोफेशन और चूजिंग द राइट वर्क, सही काम का चुनाव या सही नौकरी का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन ही हमारा कर्म बन जाता है। ह्यूमन लाइफ एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एक्शंस एंड रिलेशनशिप। मनुष्य जीवन कार्य में एवं संबंध में अपने आप को प्रकाशित करती है। इन अदर्स वर्ड, आवर वर्क इज आवर लाइफ। दूसरी तरह कह सकते हैं कि कर्म ही जीवन है, बिना कर्म के जीवन अधूरा है और हम रह भी नहीं सकते हैं। वी स्पेंड अबाउट 14 आवर्स ए डे इन आवर वर्क। हम लगभग 24 घंटे से 6 घंटा सोते हैं और 6 घंटा अलग कार्य करते हैं। Therefore, the majority part of our life is work. That is why perhaps it is said that work is worthless. इसलिए शायद बोला गया है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि ज्यादातर समय हम कर्म ही करते रहते हैं। How to know which profession is fit for you? कैसे पता चले कि कौन से काम तुम्हारे लिए है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, हितकर है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? How can we find right work for ourselves? कैसे हम पा सकते हैं? The majority of people are suffering because they are in wrong job or work. So the work itself is a punishment. लगभग 90% से ज़्यादा लोग गलत कार्य कर रहे हैं, मतलब उनका जिस कार्य में रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जिस कार्य में वो एक्सपर्ट नहीं है, वो कार्य जबरदस्ती पैसा के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए और रेस्पेक्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो दुख भोग रहे हैं और उनका काम ही उनका पनिशमेंट है। जितने घंटा करेंगे, 8 घंटा या 10 घंटा, तो दूसरा कोई पनिशमेंट उन्हें नहीं चाहिए। पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क व्हिच दे डू नॉट लव। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं करना चाहता है जो उसे पसंद नहीं है, जो वो प्यार नहीं करता जिस काम को। द वर्क व्हिच विल बेनिफिट यू मैक्सिमम एज वेल एज क्रिएट ए सर्कमस्टेंस फॉर अदर्स वेल बीइंग इज द राइट वर्क। कैसे पता चले राइट वर्क क्या है तुम्हारे लिए? जो काम तुम्हें सबसे ज्यादा लाभदायक हो, उसके साथ ऐसे एक परिवेश, ऐसे परिस्थिति का निर्माण करें जहाँ दूसरे लोगों का भी भलाई हो, उसे तुम्हारा सही काम कहा जा सकते है। और एक बोल सकते हैं कि जिस काम करने के द्वारा तुम्हारा उन्नति हो, तुम आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, खुशी हो ज्यादा देर के लिए, तो बहुत सही कार्य है। द वर्क व्हिच हेल्प्स इन ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन यू एंड हेल्प्स टू एक्चुअलाइज योर हिडन पोटेंशियल टू इट्स फुलनेस इज द रियल वर्क फॉर वनसेल्फ। जो काम तुम्हारे जो भीतर छुपा हुआ सब प्रतिभा को बाहर लाती है और जो तुम्हें तुम्हारे पूर्णता को छूने का एक माध्यम और सहायक हो जाता है, वो तुम्हारे लिए सही काम है। कॉज ऑफ बोर्डम टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस। आजकल आपने सुना होगा कि बोरियत है, ज्यादा टेंशन हो गया है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। क्यों है भाई ये सब? पहले तो लोग इतना परेशान नहीं थे, आज तुम क्यों इतना परेशान हो? मोस्ट ऑफ द पीपल बोर्ड फेड अप विद देयर वर्क्स बिकॉज दीज आर द सेम बोरिंग अनक्रिएटिव अनप्रोडक्टिव वर्क्स। बहुत सारे लोग
बोर हो जाते हैं और नशा करने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के नशा, सीरियल देखने की नशा, मूवीज देखने के नशा, गीत सुनने के नशा, सिगरेट पीने की नशा, शराब पीने की नशा, सब तरह के नशा है। बिकॉज दीज आर द सेम बोरिंग अनक्रिएटिव अनप्रोडक्टिव वर्क, वही काम करते हैं लोग और कुछ नया नहीं करते हैं, वही पढ़ाते हैं रोज उसी क्लास को, वही सिलेबस रोज पढ़ाना, बोर हो जाता है मनुष्य या वही कार्य करता है। इसलिए सृजनशीलता एक जीवंत जीवन का आनंद के लिए द्वार है। एज ए रिजल्ट दे नीड ड्रग्स एडिक्शन इन ऑर्डर टू फॉरगेट देयर प्रॉब्लम्स एंड पेन। इस वजह से वो जो असृजनशील कार्य कर रहे हैं उन्हें कुछ उत्तेजना चाहिए, इसलिए वो ड्रग्स अल्कोहल या सिनेमा या शराब ये सब लेते हैं अपने समस्या और अपने आप को भूल जाने के लिए। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो एवरीबॉडी इज वर्किंग लाइक ए स्लेव। अभी का समय में सब एक गुलाम के जैसे काम कर रहे हैं। बिकॉज एवरीबॉडी इज वर्किंग अंडर समबॉडीज ऑर्डर, क्योंकि सब किसी के ना किसी के ऑर्डर के नीचे है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उसके अंडर में सब ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस ऑफिसर है, आईएएस है, ओएएस है, उनका कोई स्वयं का फ्रीडम नहीं है। इतने पढ़े लिखने के बाद भी ये सब गुलाम है, उनका कोई स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें जो मूड पॉलिटिशियन कहेंगे वो करने के लिए बाध्य है। नोबडी इज फ्री हियर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हर हिज फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। किसी भी जो अपने सहजता है, जो प्राकृतिकता है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं और वो काम करने के लिए नहीं देते हैं। घर के लोग हो या संबंधी हो, क्योंकि वो काम में थोड़ा सा ही पैसा मिलता है और वो काम में नेम फेम भी नहीं मिलता है जो हमें पसंद है। देयर आर ए लॉट ऑफ ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स, inferiority and superiority complex, misbehavior, back talking in the workplace। बहुत अहंकार की चोट होती है क्योंकि बस ऑर्डर देता है, तुम्हें मानना पड़ता है, तुम एक झापड़ लगाना चाहते हो उसके गाल पे, लेकिन तुम लगा नहीं पाते क्योंकि डर है तुम्हें कि नौकरी से निकाल दिया जाओगे तो बाल बच्चे का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा। तुम्हें गलत व्यवहार दे तो भी चुप रहना पड़ता है और एक दूसरे का पीछे बात करते हैं। फ्रीडम और हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सबका अंतिम लक्ष्य है आनंदित हो जाना सदा के लिए या मुक्त हो जाना सब दुखों से। हेंस वेयर फ्रीडम हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड देयर ट्रबल्स अराइजेस। इसलिए जहाँ पे भी तुम्हारा स्वतंत्रता सुख पाने में बाधा होता है वहां तुम्हें दुख मिलता है। वन मस्ट चूज हिज वर्क कॉन्शियसली इंटेलिजेंटली। सबको बहुत समय दे के एकांत में बैठकर प्रकृति की गोद में उनका जो सहज कर्म है, उनका जो प्रवृत्ति है, उसके अनुजाई काम ढूंढना चाहिए, वरना काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम कैसे कर देते हो। वन मस्ट चूज हिज और हर वर्क कॉन्शियसली इंटेलिजेंटली व्हिच इज इनहेरेंट इन हिज हर पर्सनालिटी। तुम्हारे भीतर में जो गुण है, सत्व रज तम तीन है, एक गुडनेस का, एक डायनामिज्म का, एक इनर्सिया का, तो इसके आधार पर तुम्हें चुनना चाहिए। जैसे हमारा वर्ण व्यवस्था किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये सब व्यक्ति में है,
सब देश में रहने वाले सब व्यक्ति में है, जो गुण है। कुछ लोग हैं उन्हें ज्ञान पिपासु है, ज्ञान पसंद है। कुछ लोग हैं उन्हें युद्ध करना पसंद है। कुछ लोग हैं उन्हें व्यापार करना पसंद है। कुछ लोग हैं उन्हें सेवा करना पसंद है। और ये चारों श्रेणी का लोग ही सारा दुनिया में है। इसके अनुसार तुम्हारा कहाँ पे रुचि है तुम देखो, और उसी टाइप का जॉब ढूंढो। फॉर दैट पर्पज वन हैज टू फाइंड हर और हिज रीजन ओन पैशन। दैट मीन्स विदाउट गेटिंग एनी मनी एंड रेस्पेक्ट ऑल्सो यू वॉन्ट टू डू दैट वर्क। इट कैन बी राइटली सेड by moving one step ahead you are willing to pay money in order to do that work। तुम्हारा पैशन कहाँ पे है, तुम्हारा क्या सही सत्कर्म क्या है, कैसे जानो कि जो काम तुम बिना पैसा और सम्मान दिए भी तुम करते हो। जैसे मैं वीडियो बनाता या एनवायरमेंटल वर्क करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पसंद है ये, और मैं समझता हूँ ये जरूरी है इसलिए मैं करता हूँ। मुझे अपने आप एक कर्म ही मुझे सुखदायी है, उससे कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस काम करने के लिए तुम स्वयं पैसा देने के लिए तैयार हो, जैसे हम मूवी देखने के लिए पैसा देके जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे देयर आर फोर इनहेरेंट क्वालिटीज इन एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग। चार स्वाभाविक गुण होते हैं। द फर्स्ट इंट्रिंसिक क्वालिटी इज ऑफ लर्निंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज। पहला गुण है जो सत्व गुण है, सत्वात् संजयति ज्ञानम। तो हम ज्ञान के आग्रही होते हैं, श्रद्धावान लवते ज्ञानम। द सेकेंड इंट्रिंसिक क्वालिटी इज डूइंग इज ऑफ अक्वायरिंग पावर प्रेस्टीज पोजिशन। दूसरा गुण है रजोगुण का, वो डायनामिज्म का है, वो एम्बिशन महत्वाकांक्षा भाग दौड़ आपाधापी का मार्ग है, जिससे लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, पावर चाहते हैं, प्रेस्टीज चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर खिलाड़ी बनना चाहते हैं। द थर्ड इंट्रिंसिक क्वालिटी इज अप शेयरिंग डूइंग बिजनेस कल्टीवेटिंग थिंग्स प्रोटेक्टिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। दूसरा गुण है वैश्य का, क्या है कि दूसरे को भी पहुंचाना, सामान व्यवसाय करना, कृषि वाणिज्य गोपालन वैश्य कर्म स्वभाव जह, खेती बाड़ी करना, गाय भैंस का पालन करना और व्यवसाय करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। द फोर्थ इंट्रिंसिक क्वालिटी इज ऑफ सर्विंग ऑल विथ ऑल कैपेसिटी। चौथा जो शूद्र का गुण है, सबका सेवा करना, तीन वर्गों का और खुद का भी। हेंस वन हैज टू ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट व्हिच क्वालिटीज आर मोर डोमिनेंट इन हर और हिज पर्सनालिटी एंड अकॉर्डिंग टू दैट सी और ही हैज टू चूज हिज और हर प्रोफेशन। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि इन चार इंट्रिंसिक क्वालिटी में कौन सा तुम्हारे अंदर ज्यादा है, उसके अनुसार तुम अपना चॉइस करो और अपना काम ढूंढो। और अगर वो काम तुम करोगे तो तुम एक आनंदित व्यक्ति बनोगे, तुम्हें खुशी मिलेगा। एम्बिशन कंपैरिजन एंड लेवलिंग वर्क एज लोअर एंड हायर। महत्वाकांक्षा तुलना एवं किसी कार्य को छोटा बड़ा मानना। Due to labeling some works as higher and lower and high ambition, most of the people have chosen the wrong work. Therefore, all problems are coming. ये सामाजिक मूढ़ता है कि किसी कार्य को बड़ा मानना, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, इसे
बहुत बड़ा पद माना जाता है, लेकिन ये सबसे घटिया पोस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गलत धारणा के ऊपर आधारित है कि तुम दूसरे को शासन करना चाहते हो, दूसरे को चलाना चाहते हो, तुम अपने आप को भी चला नहीं पाते हो, तुम क्या दूसरे को चलाओगे। मनुष्य किसी का गुलाम होना नहीं चाहता है, लेकिन तुम जबरदस्ती गुलाम बनाते हो मनुष्यता को। उसका जो सहज प्रवृत्ति है, स्वाधीनता, उसे ही छीन लेते हो। We have to destroy all this stupid system of the past। हमें अतीत का सब व्यर्थ की जो धारणा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसे सब भगाना है। Service up one's own self with sentiments, thoughts, words, deed as well as the whole world be the goal of every human being, not mere pleasures, entertainment or indulgence। सबका सेवा करना, अपने भाव से, विचार से, वाणी से, कार्य से, और सब मनुष्यता के लिए, और क्यों सब प्राणियों के लिए शुभ कामना करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। केवल जो क्षणिक सुख है, प्लेजर, एंटरटेनमेंट या अतिभोग है, वो नहीं होना चाहिए। वर्क मस्ट बी क्रिएटिव एज वेल एज प्रोडक्टिव। कार्य सृजनात्मक एवं कारगर होना चाहिए। एक्शन मस्ट बी डन बाय कीपिंग द व्यू ऑफ सेल्फ सर्विस एज वेल एज बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड। अपना लाभ और सबका लाभ देखकर कार्य करना चाहिए। इंटेलिजेंट एक्शन आर नीडेड दैट मस्ट बी डन बाय कॉन्शियस चॉइस, नॉट बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट और कंपल्शन ऑफ द सोसाइटी। समझदारी से, प्रज्ञापूर्वक कर्म को चुनना चाहिए और करा जाना चाहिए, ना कि जो प्राकृतिक हमारा स्वभाव है और जो समाज के बाध्यतामूलक है उसके द्वारा। नो वर्क मस्ट बी कंसीडर हायर देन एनी अदर वर्क बिकॉज इट क्रिएट साइकोलॉजिकल डिविजन। किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मन में डिवीजन, द्वंद्व निर्माण करता है। एवरीबॉडी मस्ट डू द वर्क व्हिच दे लाइक, लव एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग। सबको वही कार्य करना चाहिए जो उन्हें बहुत पसंद है, जिस कार्य को वो प्यार करते हैं और जिसका महत्व समझते हैं और बहुत उत्साह पूर्वक करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज दैट वन हैज टू डू द एक्शन व्हिच आर मोस्ट नीडेड फॉर द प्रेजेंट टाइम एंड सिचुएशन। जो काम अभी के लिए बहुत जरूरी है सब मनुष्य के लिए और आने वाला मनुष्य के लिए भी, वो कार्य करा जाना चाहिए, ना कि जो तुम्हें पसंद है वो भी करना चाहिए, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है एक विज्ञ व्यक्ति के लिए। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। इसलिए कार्य में एवं विश्राम में एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। वन हैज टू लर्न द आर्ट ऑफ निष्काम कर्म योगा, सेल्फलेस एक्शन फॉर बेनिफिट ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ एज वेल द होल वर्ल्ड। सबको निष्काम कर्म योग, जो कि बिना फल की इच्छा से कर्म करना सीखना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और भयमुक्त और द्वंद्व मुक्त रहता है। इफ वन वांट्स टू बी रिमेन पीसफुल देन वन मस्ट नॉट डिजायर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। वन हैज टू लर्न द इक्वानिमिटी ऑफ माइंड टू बी काम क्वाइट इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। जिसे शांत रहना है उसे
ध्यानस्थ होना पड़ेगा, सब में समदृष्टि लाना पड़ेगा। एक्शन मस्ट कम फ्रॉम विजडम दैट इज इंट्यूशन दैट इज क्लियर एंड स्पॉन्टेनियस। कर्म हमारे भीतर से अंतस प्रेरणा से आना चाहिए, ना कि बहिष्प्रेरणा से। इस पर विचार कीजिए और अपना कार्य समझदारी से चुनिए।